नमस्कार पायनियर, देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। आज चैरिटी दिवस मनाया जा रहा है। जब हम दान करते हैं सामने वाले को तो खुशी होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें खुद को खुशी होती है। मैं आपको बता दूं कि आज 5 सितंबर है और आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है। जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में, उनकी परेशानियों को दूर करने में लगा दिया। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर 2012 को विश्व चैरिटी दिवस मनाने की घोषणा की। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ी हैं एक महिला, डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो कि खुद ज़रूरतमंदों को बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करती हैं। अभी जैसा कि देखा, कोरोना काल में भी वो बहुत लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर आई, एक एग्जाम्पल बनकर आई, जो जिन लोगों को वाकई में बहुत ज़रूरत थी उनको बहुत मदद की। हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ी है, उनसे जानेंगे कि क्या है वो चैरिटी को लेकर क्या कहना चाहती है, चैरिटी का मतलब वो क्या समझती है। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो सबसे पहले तो यही बताएं कि चैरिटी को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, अपने लिए तो सभी करते हैं, पर हम किसी और के लिए कुछ कर पाएँ ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि मैं रोटरी से जुड़ी हुई हूँ और रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप, जो कि वुमेंस का क्लब है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। तो रोटरी में कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी अपने से पहले औरों की सेवा करना। तो हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी हम कर पाएँ वो ज़रूर किसी के लिए करें, क्योंकि भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि चैरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पैसे से ही चैरिटी करते हैं, चैरिटी आप शरीर से भी करते हैं, आप तन मन धन तीनों तरफ से करते हैं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे पता है कि मानसिक चैरिटी भी बहुत बड़ी होती है। कोई मेरे पास आता है, परेशान आता है, तो उसे मानसिक सांत्वना, उसे कंसोल करने से भी एक चैरिटी होती है। पैसे से सब करते हैं, फिजिकली भी बहुत लोग चैरिटी करते हैं, जो शरीर से काम करके लोगों को, पैसे से तो नहीं कर पाते पर उनके दुख दर्द कम कर पाते हैं। तो चैरिटी एक ऐसा विषय है, हमारा देश विश्व में इस नाम से विख्यात है कि भारत तो ऐसा देश है जो हर किसी की मदद के लिए सामने आता है। इसी के नाम पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको जो भी थोड़ा बहुत कुछ बने ज़रूर करना चाहिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए। मैम, आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग फेम के लिए चैरिटी करते हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि हर किसी को फेम चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आप देखिए, जो भी काम होता है ना वो नाम के लिए होता है, जो नहीं भी होता वो भी नाम के लिए होता है। लोग करते नहीं हैं फिर भी उसको फेम के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि भाई आप नाम करें या कुछ भी करें, पर ये अपनी अपनी सोच है। पर हाँ, जो जिससे जैसे बने, चाहे हम नाम के लिए करें पर कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। अगर चैरिटी की बात आती है तो कहीं आपको नहीं लगता है कि आज के इस वक्त में जिसको ज़रूरत भी नहीं है वो भी इस तरीके का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए मैम, इस समय NGO इतने सारे हैं, दिन में 10 फ़ोन आते हैं, मैम इस NGO से हैं हम, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप हमारे लिए वो कर दीजिए। पर मुझे लगता है हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के बाद तो बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हमारा स्टाफ है, हमारे आसपास लोग हैं जो मांगते नहीं है, वाकई उनको ज़रूरत है। पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वाकई किसी को ज़रूरत है या हम बेवजह उसके ऊपर टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। पहले उसकी रेखी ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप कोई चैरिटी, बड़ी चैरिटी करते हैं तो फोकस रखना चाहिए, छोटी की तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि मैंने बताया, मदर टेरेसा, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जिन लोगों को ज़रूरत थी उनके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है जब आपने किसी ज़रूरतमंद, वाकई में ज़रूरतमंद की मदद की और आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ? ऐसे तो कई मोमेंट हैं कि हम कुछ कर देते हैं। कभी भी आपके बाहर, एक बार मेरे घर के बाहर एक ओल्ड पर्सन आया और ही वॉज लिटरली क्राइंग कि मेरी वाइफ उसमें है, हॉस्पिटल में, और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, ये इसका कर्म है, ये कह रहा है, पता नहीं सच है या झूठ है। तो जो मुझसे बना मैंने उसको ज़रूर दिया, और वो बहुत दुआएँ देता हुआ मुझे गया। तो मुझे लगा, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, अगर इसने गलत किया है तो इसका कर्म है। तो हर समय जब भी आप चैरिटी करते हो ना, एक कंसोल, एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना, उसका कभी भी कोई मुकाबला नहीं होता, चाहे आप कुछ भी करो। आप भी क्लब की प्रेसिडेंट है, रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप्स की, तो आपका जो क्लब है वो महिलाओं को आगे की तरफ अग्रसर करता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए?
जो हमारा क्लब है रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप्स, ये फरीदाबाद का ओनली वुमेन क्लब है और बाय द गॉड ग्रेस इसमें सारी ही लेडीज़ बहुत एनर्जेटिक हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी फंड से फिजिकली मेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंसलर भी हैं, हैप्पीनेस कोच भी हैं, तो मेंटली भी लोगों की हेल्प करें, फाइनेंशियली जो कर सकते हैं, जो फिज़िकली कर सकते हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि आप जुड़ें और हमारे समाज के लिए ज़रूर हम करें, ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से करें, हम मानसिक तौर से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप्स की आगे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि चैरिटी डे भी है और आप वैसे भी आगे पीछे भी चैरिटी करते रहते हैं, आपको तो किसी डे की ज़रूरत नहीं है, तो क्या प्लान्स लेके चल रहे हैं आप? देखिए इस मंथ मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी पर आपने पूछ लिया। आई एम प्लानिंग फॉर अ थिएटर, एक हमारे ही क्लब की मेंबर्स मिलके एक थिएटर प्लान कर रहे हैं और जिसको हम बहुत बड़े स्केल पर करना चाहते हैं, जिसका काम होगा फंड रेज करना और जो फंड है वो हम ऐसे बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहते हैं जिन्हें टीचर हैं, शायद आप लोग जानते भी हों, ड्रामा थिएटर कराती हैं, वो उन बच्चों को, गांव के बच्चों को, 200-250 बच्चों को सिखाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर, ड्रामा, एरोबिक्स, योगा, और वो उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करती। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैम मेरे पास जगह बहुत है, मुझे स्पेस को कवर करने के लिए चाहिए, एक हॉल बनवा दीजिए, आप जो कुछ कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और हम लोग वहाँ गए, हमने देखा तो हमें वाकई देख के लगा कि वो बच्चे 3 बजे इतनी तेज़ धूप में बैठे थे, 100 बच्चे, और उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिखाया। मैं आपको बता नहीं सकती कितना बढ़िया पल था वो। तो वी आर ट्राइंग कि फंड रेज करें और उनकी कुछ हेल्प कर पाएँ। उसके अलावा हमारे 2-3 प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के चल रहे हैं। एक सलून का हम प्लान कर रहे हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि इस साल का टारगेट ही लेडीज़ और गर्ल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका। तो एक सैलून की प्लानिंग चल रही है जो हम किसी भी गर्ल्स कॉलेज में खोलें, जिससे लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट हो और वो एज अ प्रोफेशन इसको कर सके। एक हमारी प्लानिंग चल रही है पैरामेडिकल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की, जो हम किसी बहुत बड़े ब्रांडेड कॉलेज के साथ कर रहे हैं, वुमेन्स का, केएल मेहता दयानंद कॉलेज, तो वो भी हमारी एक स्किल डेवलपमेंट। बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं लाइन में। मैम कोरोना काल में देखने को मिला, वैसे तो ये समय वाकई में बहुत बुरा गुजरा, लेकिन उस वक्त में लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ी, तो आपने किस तरीके से उसमें आगे आई और लोगों की मदद किया? देखिए वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था। हमने जो भी किया क्लब के साथ मिलके किया, उस समय जो हमारी प्रेसिडेंट थी मीनू गुप्ता, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लिए हम साथ रहे और हमने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो भी लोगों को प्लाज्मा या ब्लड की ज़रूरत होती थी उसमें ही हम हेल्प कर पाते थे, तो वो मैंने पूरी कोशिश की कि किसी को कोई ज़रूरत अगर मैं फुलफ़िल कर सकती हूँ तो ज़रूर करनी चाहिए। आगे भी अगर भगवान नगरी पर देव आती है तो उसमें भी रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप्स और आपका सहयोग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, रोटरी इस काम के लिए फेमस है, रोटरी वर्ल्ड वाइड बहुत काम करता है पैंडेमिक में। लास्ट भी कितने लोगों को प्लाज्मा और ब्लड चाहिए था, रोटरी ब्लड डोनेशन कराता रहा, थैलेसीमिया बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी सिचुएशन आए ना, हमें ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि हमें जाना पड़े, पर हाँ जब भी ज़रूरत होगी वी आर ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर निधि अग्रवाल को, जिन्होंने बताया कि चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, आप अपने तन मन धन से भी चैरिटी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जितना हो सके ज़रूरतमंदों की सहायता करें, जितना खुशी सामने वाले को होती है उससे ज़्यादा कहीं खुशी आपको मिलती है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए पाएंगे हरियाणा के साथ।